और इधर हमारी छोटी बढ़िया है, देखो कितने सारे पेड़ लगे हैं और यहाँ पे ये इसके पेड़ लगे हैं, अगर बड़े बड़े हो जाए तो बहुत सारे पेड़ लगे हैं। सुबह सुबह का टाइम है और देखो कितना मौसम होता है, देखो हमारे देखो हम इनसे छोटे 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 हमारे घर के पास तालाब है लेकिन तालाब में पानी सूखता है, थोड़ा पानी है तालाब में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। आज हम देखो ये हमारी आंधी आई थी मतलब, और तो उसमें ये हमारा ईख का पेड़ गिर गया है, इसको हमारे पांडे जी ठीक कर रहे हैं और इसमें लगाएंगे लकड़ी। क्या लगाओगे पांडे जी? आवाज़ सही रिकॉर्ड हुई है? बहुत भरूंगे सही हो रही है यहाँ तो सही होना चाहिए। और इधर हमारी छोटी सी बगिया है, देखो कितने ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे ये ईख के पेड़ लगे हैं, अगर ये बड़े बड़े हो जाएंगे तो बहुत ढेर सारे गन्ने खाने को मिलेंगे। सुबह सुबह का टाइम है और देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, उधर वो देखो हमारे देवर जी हैं और उधर सब नींद से सो सो के उठ उठ के बैठे पपीता खाएं। हमारे घर के पास तालाब भी है लेकिन उस तालाब में अभी पानी सूख चुका है, थोड़ा सा ही पानी है उस तालाब में, ये देखो। तालाब तो काफ़ी बड़ा है दोस्तों लेकिन ये इसका पानी सूख गया है गर्मी की वजह से। और यहाँ पे देखो कितने सारे ये पशु भी हैं, चारा चर रहे हैं, गड्ढे में थोड़ा सा पानी है, हमारे यहाँ पे इसको तालाब को गड्ढा बोलते हैं, गड्ढा। इस वाली बेर के पेड़ के ऊपर बहुत ही मीठे और बहुत ही बड़े बड़े बेर आते हैं, जब मैं पिछली बार आई थी तब तो गर्मियों में मुझे खाने के लिए मिले थे लेकिन अब की बार तो एक भी बेर नहीं है। और उधर देखो सड़क है, घर के पास में हमारे रोड भी जा रहा है। ये दोनों बैलों में लग रहा लड़ाई होएगी क्योंकि ये दोनों लड़ने के मूड में लग रहे हैं और उधर पांडे जी ईख बांध रहे हैं और मैं भी इसे जल्दी से जाके उनकी थोड़ी सी हेल्प करा लेती हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने कमेंट करना दोस्तों। धन्यवाद, बाय बाय।